हेलो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन दिया गया तीन संख्याएं हैं एक बटा चार अनुपात पाँच बटे नौ अनुपात सात बटे बारह के अनुपात में है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर एक सौ अस्सी है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें हमें क्या दिया गया दोस्तों अनुपात में दिया गया यानी कि रेशियो में ऐसा क्या होता है अनुपात में नहीं होता दोस्तों बटे में नहीं होता ये बात आप ध्यान रखना इसको हम सिंपल संख्या में कैसे लाएंगे हमारे पास दिया गया एक बटा चार अनुपात पाँच बटा नौ अनुपात सात बटे बारह तो हम क्या करेंगे इसके हर का अल्शियम लेंगे हर का अल्शियम लेकर इससे गुणा करा देंगे तो हर का अल्शियम कितना आएगा दोस्तों यानी कि हर का अल्शियम आएगा हमारे पास छत्तीस तो हम क्या करेंगे इनको छत्तीस से गुणा करा देंगे एक बटा चार गुणा में छत्तीस अनुपात में पाँच बटा नौ गुणा में छत्तीस अनुपात में सात बटे बारह गुणा में छत्तीस तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों चार निम छत्तीस नौ चौक छत्तीस बारह तीय छत्तीस यानी कितना आया नौ अनुपात में पाँच चौक बीस बीस अनुपात में सात तीय इक्कीस और इसने क्या कहा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर एक सौ अस्सी सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी ये है तो इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है इसमें 180, लेकिन एक्चुअल में है कितना अंतर अंतर है 12 का तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक का मान निकाल लेंगे दोस्तों तो एक का मान निकालेंगे तो क्या होगा हमारे पास 180 बटे में 12, तो इसको कट करेंगे हम छः दू ब छः तीए अठारह तीस दो एक कम दो पंद्रह यानी कि एक का मान पंद्रह है तो अनुपात में टोटल कितना है हमारा हमारा टोटल है दोस्तों बीस दस तीस और बीस पचास तो हमें अब तो, योग तो इनका अनुपात में पचास है और लेकिन अनुपात में हमारे पास एक का मान कितना है पंद्रह तो गुणा में हम क्या करेंगे पंद्रह पंद्रह पंदे पिछहत्तर यानी कि इन संख्याओं का योग कितना आ गया हमारे पास साढ़े सात सौ आ गया दोस्तों यही क्या हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट इसी तरह की ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके